हेलो स्टूडेंट्स, आई राहुल वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स का आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट बताता है कि किस तरह से आप टर्मिनल वोल्टेज को कॉन्स्टेंट रखते हैं या फिर टर्मिनल वोल्टेज को कैसे वैरी करने से बचाते हैं। इससे आप समझ पाते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन को डील करते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने के लिए यह हेल्पफुल होता है और इससे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अपनी वीडियो को डिले ना करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम डिफाइन करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल एक सोर्स के अंदर हम टर्मिनल वोल्टेज और जो ईएमएफ होता है वो किस तरह से होता है। हम एक सर्किट कंसीडर करते हैं जिसके अंदर हमने एक वोल्टेज सोर्स लगाया है। यहाँ पर इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसीडर करते हैं जिसको हम आर कंसीडर कर लेते हैं। ये एक लोड लगाया गया है आर। सपोज कर लेते हैं हमारे पास इस सर्किट के अंदर करंट जो फ्लो हो रही है वो है आई। अब इस करंट के फ्लो होने पर हम ये जब रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होने पर इस करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। इस करंट की वैल्यू चेंज होने पर यहाँ पर ड्रॉप भी चेंज होगा। या तो ये ड्रॉप बढ़ेगा या ये ड्रॉप घटेगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ वोल्टेज को अपने पास रखेगा, जिससे यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज है वो वेरी करने लगती है, या तो वो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। इसका मतलब हमारे पास है अगर हम यहाँ पर लोड को वेरी कराते हैं, लोड को वेरी कराने पर लोड की करंट आई एल वेरी करेगी। लोड करंट वेरी करेगी तो इसका टर्मिनल का वोल्टेज भी वेरी करेगा। और हमें ये टर्मिनल वोल्टेज अगर कांस्टेंट मिलता है तो वही हमारे पास क्या कहलाता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है। देखिए अगर ये ज़ीरो होगा तो यहाँ पर ज़ीरो ड्रॉप आएगा किसी भी कंडीशन में। आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कितना भी घटाएँ कितना भी बढ़ाएँ, इसमें करंट की वैल्यू से इसमें कोई ड्रॉप नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर कोई ड्रॉप नहीं आएगा इसका मतलब ये है कि इंटरनल जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ज़ीरो होगा और यहाँ पर जो टर्मिनल है उस पर आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स भी इसको कहते हैं या फिर आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स को आप डिफाइन कैसे करते हैं, एक ऐसा सोर्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है, दैट इज़ कॉल्ड आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, जो आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिनसे रिलेटेड किसी भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। वो क्या बातें होती हैं, सबसे पहली बात ये कि आपके पास अगर कोई वोल्टेज सोर्स है जो कि आइडियल है, इसको आप कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं करते, यानी कि इसके टर्मिनल्स को कभी भी शॉर्ट नहीं करते। यानी कि फर्स्ट जो पॉइंट आपके पास है, द टर्मिनल ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड नॉट बी शॉर्ट सर्किटेड। किसी भी आइडियल वोल्टेज सोर्स के जो टर्मिनल हैं उन्हें कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं करना चाहिए। वो क्यों नहीं करना चाहिए, सपोज कर लेते हैं हम इसको शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं तो शॉर्ट सर्किट करने पर इसके अंदर इन्फिनिटिव करंट फ्लो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पर जीरो। शॉर्ट में कितना रेजिस्टेंस होता है, जीरो। तो ये एक इन्फिनिटिव वैल्यू आएगी जो खुद में ही इसकी डेफिनेशन को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी वोल्टेज सोर्स के, आइडियल वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट नहीं करते। सेकेंड आपके पास है, सेकेंड हम देखते हैं कि जब भी हम कोई दो वोल्टेज सोर्स लेते हैं अलग अलग वैल्यू के, सपोज हमारे पास है एक 200 वोल्ट का और एक दूसरा वोल्टेज सोर्स है हमारे पास 100 वोल्ट, तो आप
इन दो अलग अलग वैल्यू वाले आइडियल वोल्टेज सोर्स को एक साथ पैरेलल में अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आपके पास दूसरी कंडीशन ये है कि द टू आइडियल वोल्टेज सोर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू कैन नॉट बी अप्लाइड इन पैरेलल। यानी कि आप दो अलग अलग वैल्यू के जो वोल्टेज सोर्स हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स उनको पैरेलल में अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडियल करंट सोर्स। तो आइडियल अगर करंट सोर्स की हम बात करते हैं तो जिस तरह से हम एक वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं तो एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स आता है। अगर ये वैल्यू जीरो होती है तो हमारे पास ये आइडियल बन जाता है। तो सिमिलर वे में हमारे पास जो आइडियल करंट सोर्स है उसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। हमारे पास करंट सोर्स जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है करंट आई एस और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आर एन, नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस होता है। पर हमारे पास ये वैल्यू जो होती है हमारे पास वहाँ वैल्यू जो होती है वोल्टेज सोर्स के अंदर वो जीरो होती है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है ये इन्फिनेटिव होती है, मैक्सिमम रखी जाती है और ये इन्फिनेटिव रखी जाती है लगभग। मतलब हमारे पास आइडियल के लिए इन्फिनेटिव होनी चाहिए हम कह सकते हैं। तो हमारे पास आइडियल करंट सोर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ऐसा करंट सोर्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनेटिव होता है, ऐसा करंट सोर्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनेटिव होता है ऐसे सोर्स को हम क्या कहते हैं, आइडियल करंट सोर्स कहते हैं। तो सिंपल आप आइडियल करंट सोर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बारे में भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होती हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और दैट इज फर्स्ट हमारे पास है, जैसे कि आपको बताया गया था कि आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट नहीं करते, आइडियल वोल्टेज सोर्स को ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल को आप कभी भी ओपन सर्किट नहीं रखते, यानी कि द टर्मिनल ऑफ आइडियल करंट सोर्स शुड नॉट बी ओपन सर्किटेड। यानी कि किसी भी टर्मिनल को ऐसे ओपन सर्किट नहीं रखना होता किसी भी आइडियल करंट सोर्स के। और सेकंड जो थिंग है, आपने कभी ये देखा है कि कोई भी सोर्स हम कंसीडर कर लेते हैं, क्या इसी एक ब्रांच में से दो अलग अलग करंट फ्लो हो सकती है, यहां से आई वन यहां से आई टू, ये आई वन आई टू एक ही वैल्यू क्यों होंगी, तो दो करंट एक जगह से कभी भी फ्लो नहीं हो सकती। यानी कि किसी भी नेटवर्क के किसी भी ब्रांच में दो करंट एक साथ फ्लो नहीं हो सकती। तो हमारे पास यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट हमारे पास बनता है वो ये है कि कभी भी दो आइडियल करंट सोर्स को सीरीज में अप्लाई नहीं किया जा सकता। यानी कि सेकंड पॉइंट हमारे पास है टू आइडियल करंट सोर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू कैन नॉट बी प्लेस्ड इन सीरीज। हमने वोल्टेज सोर्स के लिए लिया था कि वो पैरेलल में अप्लाई नहीं किए जा सकते, यहां पर है सीरीज में अप्लाई नहीं किए जा सकते। सो ये जो दो कंडीशन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, वोल्टेज सोर्स के लिए भी और करंट सोर्स के लिए भी, आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स के लिए। एग्जाम में जब भी आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इन क्वेश्चन को इन थ्योरेटिकल पॉइंट से सॉल्व कर सकते हैं और आप उसको सही से आंसर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। ऐसी और टॉपिक्स के साथ आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।